23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाया जाता है। आज हम जानेंगे किताबों की खूबसूरत दुनिया। 23 अप्रैल को 1564 को एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक है, कब किया था अलविदा में? 1564 ईस्वी में। ठीक है, 1564 में एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कह दिया था जिनकी कृतियों का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद हुआ था। ठीक है, जिस भाषा में हम पढ़ना चाहें उस भाषा में वो पुस्तक अवेलेबल था, हमें मिल सकता था। ठीक है, हर भाषा में क्या था, अनुवाद हुआ था। यह लेखक था शेक्सपियर। इन्होंने अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने जीवन काल में 35 क्या किया था, 35 नाटक लिखे थे और बात करें तो कविता की, ठीक है, 200 से अधिक कविता लिखे थे। ठीक है, 200 से अधिक कविताएं इन्होंने लिखा था। उसी को देखते हुए यूनेस्को ने 1995 ईस्वी में 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाने की शुरुआत की। और भारत देखें तो भारत सरकार हमारी 2001 में, ठीक है, भारत सरकार 2001 में 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाने की घोषणा की। कहते हैं किताबें आदमी की सबसे अच्छी दोस्त होती है और दोस्तों से ही आदमी की पहचान होती है। ठीक है, जैसा हमारा दोस्त होता है सब लोग कहते हैं वैसा ही वह व्यक्ति भी होगा, इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों से ही हमारी पहचान होती है। किताबों से बारे में लिखा गया है, अगर देखें तो किताबों के बारे में खुद किताबों में ही लिखा जाता है। एक राइटर थे टोनी, अकॉर्डिंग टू टोनी, उन्होंने कहा अगर आपकी बुक पढ़ने की इच्छा हुई, कोई ऐसी बुक पढ़ने की इच्छा हुई जो लिखा ही नहीं गया है, जो पूरे संसार में कहीं है ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, वह पुस्तक खुद लिखने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आप खुद एक पुस्तक लिख सकते हैं। अगर हम बात करें तो किताबों का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। क्या है, किताबों का अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता, वो हर जगह रहता है, आपको मिलेगा। ठीक है, श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तक प्रभारी के अनुसार किताबों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। आधुनिकता की बात करें तो यह भी हर वक्त संभव है, किताबें हर समय हमारे साथ रहती हैं, हमारा साथ निभाती हैं, फिर वह चाहे बाल साहित्यिक हो या धार्मिक ग्रंथ हो। ठीक है, कोई भी बुक हो आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, बस हमें कोशिश करनी है उसे पाने की। किताबों की क्या होती है, हमारा हमेशा साथ निभाती हैं किताबें, और यह एक दोस्त की तरह हमारे साथ रहती हैं। अगर हम बात करें तो पुस्तकें हमें कैसे संतुष्ट कर सकती हैं, संतुष्टि हमें मिलती है। किताबों का क्रेज कभी खत्म नहीं होता, जिन्हें पुस्तकों में दिलचस्पी होती है वे किताबें पढ़े बिना कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, भले वो न्यूज कहीं टीवी में देखे हो या मोबाइल से सुने हो, रेडियो से सुने हो, लेकिन क्या करते हैं, या मीडिया के अन्य साधनों द्वारा पहले सुन चुके हों, लेकिन वह क्या करेंगे, उसी न्यूज को, अगर कोई बुक नहीं मिला तो सुनी सुनाई न्यूज को एक बार बुक से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी किताबों का खूबसूरत संसार।